नमस्कार। नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा शुरू की गई साक्षात्कारों की कड़ी में आज हम मुखातिब हो रहे हैं हमारे जिले के ही नहीं, राजस्थान के नहीं, पूरे देश भर के एक जाने माने कवि जिन्हें महारत है हास्य, वीर रस और व्यंग में। और जहाँ भी ये कवि सम्मेलन में जाते हैं बस तालियां बटोरते हैं, लोगों की प्रशंसा पाते हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि प्रदीप जी बार बार उन सम्मेलनों में आए और उनको अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं के माध्यम से सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करें, दिशा भी प्रदान करें। तो भाई प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका जन सरोकार मंच के इस पटल पर। धन्यवाद सर। तो मूल रूप से प्रदीप जी, जब कविता की बात आती है तो शुरुआत में होता यह है कि आम आदमी समझता है कि ये तो बड़ी आसानी से और कोई भी लिख लेता है, और आजकल तो गली गली में जैसे टोंक, खास तौर से टोंक के लिए कहा जाता है कि गली गली में हर दुकान पे एक शायर बैठा है, उतनी आसान भाषा में कह दिया जाता है कि कवि बैठा है जी, ज्यादा उस पर विचार नहीं होता। लेकिन ये कवि जानता है कि उसको किस यातना से अपनी बात कहने के लिए किस सुरंग से गुजरना पड़ता है जी, ये कवि जानता है जी। तो प्रदीप भाई ये थोड़ा सा बताएं कि, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अपने स्वर्गीय पिताजी जी श्री देवीलाल जी पवार साहब ने, जिन्हें पूरा शहर प्यार से सम्मान से दादा कहकर पुकारता था जी, तो पहले थोड़ा सा उनके बारे में बताएं कि वो किस तरह की रचनाएं करते थे और आपका उनका सानिध्य इस रचनात्मक क्षेत्र में कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा ही बताएं। धन्यवाद अशोक जी सक्सेना साहब को और देवेंद्र सर को कि आपने मुझे जन सरोकार मंच पर आमंत्रित किया और अपनी बात कहने का मौका दिया। मोहित को भी धन्यवाद। और जैसा आपने कहा, मेरे काव्य गुरु मेरे पिताश्री हैं। मैंने लिखना लगभग उन्हीं से सीखा है। ठीक है। उन्होंने कोई सिखाने की कोई कड़ी नहीं थी, लेकिन मैं उनके पास बैठ बैठ के, मेरे पिताश्री के पास से मैं साधु प्रकृति के थे, साधुओं का, संतों का, फकीरों का, सभी का आना जाना उनके पास रहता था। ठीक है। तो उनके सानिध्य में देखते, यूं समझ लीजिए उनसे सुनते सुनते कविता लिखने का एक शौक पैदा हुआ। ठीक है। परंतु इस शौक परवान शुरू में नहीं चढ़ पाया। पिताश्री तो खैर, मेरे पिताश्री थे वो श्रृंगार के कवि थे और ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा से वो लिखा करते थे। भगवान श्री राम के बहुत अनन्य भक्त थे, जहाँ उन्होंने लिखा, अनोखा जाप है जग में तू गाना गा सियावर का, किसी महामंत्र से होगा कभी आना सियावर का, इस तरह का उनका लेखन। एक मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो केवल लिखना जानते थे। लिखने का मतलब भी उनकी कविताएं भी दूसरे लिखा करते थे, हम बैठ के बोलते थे, हम लिखते थे। बस लिखते लिखते ही हमें, मतलब मान लीजिए कि जहाँ पिताश्री की बात कहूँ तो मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि पूरे देश में उनका एक शेर है, जबकि वो कोई उर्दू को बहुत अच्छे ज्ञाता भी नहीं थे, उनका एक शेर है जो संचालन में पढ़ा जाता पूरे देश में मुशायरों में, कि अब तक कृष्णगारी नूर जैसे बड़े शायरों ने लिखा कि सोने के फ्रेम में जड़ा दो आईना झूठ बोलता ही नहीं, पर हमारे पिताश्री ने अब इस बात को कैसे क्या लिखा, ये आपको मैं उस शेर को सुनाता हूँ कि आईने में देखकर उल्टे हरूप, आईने में देख के उल्टे हरूप, एतबारे आईना जाता रहा। तो ऐसा लिखने वाले थे। और जहां उनकी बात है तो एक और दो लाइनें मुझे इनकी याद आती है कि आज रूप श्रृंगार करेगा जाने किसका भाग्य जगेगा। अच्छा। आज रूप श्रृंगार करेगा जाने किसका भाग्य जगेगा, दर्पण को पर्दे में रखना वरना टूट के बिखर पड़ेगा। अच्छा। ऐसा लिखने वाले थे। तो पिताश्री भजन लिखते थे, गीत लिखते थे और बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छे वादक थे, हारमोनियम के उस्ताद माने जाते थे। और मतलब, और सबसे बड़ी बात मेरे पिताश्री के साथ ये रही कि वो जागरण में जाया करते थे, उनके साथ जाया करता था। हाँ, समय तो यही है। तो मैं उन्हें जाता था तो देखता था कि उनकी जो है हारमोनियम पर बहुत सारे रुपए इकट्ठे जाया करते थे, लोग इकट्ठे करते थे, लेकिन उन्होंने कभी एक रुपया वहां से लेकर के नहीं आते थे। वो ये कहा करते थे कि मैं तो सिर्फ उसके लिए गाता हूँ। ठीक है। और वो उन लोगों में बांट देते थे, वादक होते थे, बोला बेटा हम लेने के अधिकारी नहीं है, हम देने के अधिकारी, हम ही लेने नहीं आए।
तो ये इस तरह की प्रवृत्ति के थे, फकीर थे, जबकि जेब में पैसा जैसा व्यक्ति जेब में 10 रुपए नहीं होते थे पर हजारों रुपए छोड़ दिया करता, ऐसा देखा है मैंने उनका। तो ये मैंने उनसे सीखा और मेरी जो माँ है उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा उत्साह वर्ण करने वाली मेरी माँ रही, कविता उनसे सीख पाया, जैसा वो लिखते लेकिन श्रृंगार थे, मैं लिखता वीरस हूँ हास्य हूँ, ये एक अलग बात थी, ये विधा अलग हुई, लेकिन उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं वीरस लिखूं। और लेकिन उनके श्रृंगार में अगर मैं गलत ना कह रहा हूँ तो भक्ति भाव चाहता रहा, बहुत भक्ति भाव था उनके, उनके श्रृंगार नायिका प्रेमिका भी भक्ति रस में डूबी, भक्ति रस में डूबी हुई थी। यानी आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारे लोक देवता कल्याण जी हैं उनके लिए अब तक आपने जो भजन सुने होंगे वो केवल भजन जो होते थे उनकी महिमा से संबंधित होते थे, लेकिन उनका एक भजन है जो कि कल्याण जी का भी श्रृंगार है, ठीक है, मतलब आप उससे अनुमान लगा सकते हैं। अगर याद हो तो हाँ, वो ये है कि कलाजी नाड़ो तो सरी जरासा, राजस्थानी में कलाजी नाड़ो तो सरी जरासा झांको तो सरी, थे छोड़ी केसरिया मारा जीवा की जड़ी, पागड़ी रा पेचा माही मोतिया की लड़ी, हाथा में रूफाड़ी लागे सोना की छड़ी, बहुत अच्छी। तो इस तरह का ये इस तरह का भजन उन्होंने, मतलब वो इस तरह डूब के श्रृंगार लिखने वाले व्यक्ति थे, और उन्होंने जो श्रृंगार लिखा जैसे नीली झील में खिला हुआ कोई कमल, चांद भी गया मचल रूप तेरा देखकर, ओस में भीगे बदन पर चांदनी लिपटी हुई गा रही मीठी गजल रूप तेरा देखकर, बहुत अच्छा। इस तरह का लेखन था जी। तो क्या कारण रहा कि अचानक आप जो है जब आपने शुरुआत शुरू कलम पकड़ी अपनी इस क्षेत्र में जी, तो वहां माहौल तो एक भक्ति रस का और श्रृंगार का था, भरपूर था जी, लेकिन जीवन का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने आपको विवश कर दिया कि आप वीर रस की या हास्य की या व्यंग की रचनाओं के प्रति मुखातिब हो गए? नहीं, वो क्या हुआ कि पिताश्री के सानिध्य में तो शुरू में हम जब 5वीं क्लास में पढ़ता था मैं, तो पहली बार में 1975 का उसमें मैं पहली बार स्टेज पे गया, तो मेरा पहली बार स्टेज का अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, ठीक है, मैं 5वीं क्लास में था तो भी दो मित्रों को साथ लेके गया मेरे हौसले के लिए, और वो क्या हुआ कि वे कविता मेरे पिताश्री ने मुझे दी, जवान है हम पहचाने इस तरह की, अब वो कविता कुछ मतलब कोई ऐसा कुछ प्रभाव ही नहीं, हमने सोचा यार कोई मतलब नहीं, बेकार बाबूजी ने चढ़ा दिया हमने, हम आ गए। और उसके बाद मेरी मदर ने भी कहा कि बेटा इनमें कुछ नहीं होगा, तू तो ऐसा कर पढ़ाई कर अपने को ताकि, और मेरी उसका ये कारण था कि मैंने 9th, 10th, 11th तीनों क्लासों में कॉलेज स्कूल टॉप किया, फिर मैं कॉलेज में बढ़ा, तो कॉलेज में पहुंचने के बाद थोड़े विचार बदले तो मैं वो प्रेम प्यार की कविताएं लिखना शुरू करा, ठीक है, वो पिताश्री के, तो वो पिताश्री को बताता था लेकिन वो पिताश्री कभी इस बात को ज्यादा तवज्जो देते नहीं थे कि जो प्यार, तो उस समय मैंने मतलब ऐसी कविताएं लिखी, एक कविता का एक बंद याद है आज भी मुझे, अच्छा, तेरी अभिलाषा हित मैंने निज वैभव कुर्बान किया था, तूने जाम दिया था विष का, मैंने हस्तस्पान किया था, जो तूने चाहा था मुझसे कब मैंने इनकार किया था, तूने ठुकराया था मुझको मैंने तुझसे प्यार किया, लेकिन असर तो आया तो पिताश्री नजर आता, फिर थोड़ा सा मैं जब बदलाव आया तो ये आया कि मैं कॉलेज में, तो फिर मेरी थोड़ी धारा पड़ी थी, मुझे बेस्ट मैं कविता से हट करके आर्टिस्ट हो गया, तो मुझे मैंने एक्टिंग में और गाने में इनमें सब में भाग लेना शुरू किया, तो मुझे 2 साल तक लगातार मैं जब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर मेरा 83-84 में, तो उसमें मुझे बेस्ट आर्टिस्ट का खिताब मिला अपने स्कूल में, और वो फिर मैं जैसे कॉलेज में आया, मैंने फिर वहां से 84 में टोंक देवरी छोड़ के टोंक में पीजी करने के लिए मैं टोंक आया, एमकॉम किया मैंने टोंक से, उस साल भी मैं आर्टिस्ट ही रहा, लेकिन 87 में मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया, 87 में मैं क्या है कि विवेकानंद स्कूल में पढ़ाने लगा, विवेकानंद कॉलेज में, वहां थोड़ा माहौल मुझे कविता का मिला, तो एकदम मैं परिवर्तन, मेरे पिताश्री ने मुझे कहा कि तू प्रेम प्यार छोड़कर बेटे तू कुछ और लिख, तो वो मुझे अब भी याद है कि मैंने उस समय जो लिखा तो वो ये था कि चिड़ियाएं बहुत चहकी पर वो कलरव नहीं हुआ, हर बार करी पहल पर वो अभिनव नहीं हुआ, बहुत लिखा मैंने उसके वास्ते पर कभी प्यार का वो वैभव नहीं हुआ, मुझको इश्क हुआ जननी के मान से, चाहत के सुर मिले राष्ट्रगान से, जब भी चला हूं मैं मोहब्बत की डगर पे, मुझको प्यार हुआ हिंदुस्तान से, अच्छी बात। तो ये जब पिताश्री को सुनाया तो उन्हें लगा कि हम ठीक सा काम कर रहा है, और मेरी जो पहली बार मेरे पिताश्री ने जिसमें मोहर लगाई वो 4 पंक्तियां ये थी,
जिसे मैं मानता हूँ वो कविता का उद्देश्य भी है मेरे जीवन में, कि जिसको लेकर के मैं आज भी उसी को, मेरा विरस भी और लोगों से बहुत अलग है जो मंच पे जो लोग पढ़ते हैं, मेरा विरस थोड़ा हटकर है और मैं अलग तरह से विरस लिखने वाले व्यक्तियों में गिना जाता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी मान्यता है वो चार पंक्तियां आपको सुना देता हूँ कि मिले मृत्यु को नव जीवन तराना हो तो ऐसा हो। अच्छा। जैसे मेरे पिताश्री ने पहली बार मुझे कहा था कि बेटा ये तू पहली बार, अब आज मैं समझने लगा हूँ कि तेरे में कुछ आ गया है। हाँ, तो उन्होंने पहली बार मुझे दिया तो मिले मृत्यु को नव जीवन तराना हो तो ऐसा हो, न टूटे प्यार के बंधन जमाना हो तो ऐसा हो, टपकते खून के आंसू किसी की आंख से चुनकर लुटा दे हम मोहब्बत का खजाना हो तो ऐसा हो। तो ये मेरी कविता का आज भी उद्देश्य मानता हूँ कि मेरे जीवन में अगर मैं उत्साह दे सकूं, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं, बस मेरा मिशन यहीं से शुरू हुआ कि मैंने ये सोचा कि लोगों को मैं उत्साह दे सकूं, क्योंकि वीरस का मतलब क्रोध लाना नहीं है, वीरस का मतलब आक्रोश लाना नहीं है, वीरस का मतलब है चेहरे पर हंसी हो, हास्य हो, उसका चेहरा खिलखिलाए और उसमें उत्साह का प्रस्फुटन हो, संचार हो, ऐसा मैं मानता हूँ और यही उद्देश्य लेकर अपनी कविताओं की रचना करता चला गया। मैं क्या करता चला गया, मैं तो आज भी मानता हूँ कि मैं कोई कविता नहीं लिखता हूँ, कविता तो सिर्फ माँ लिखती है, मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ। आज भी मैं कभी सोच कर नहीं बैठता कि आज कुछ लिख दूंगा, जिस दिन माँ की कृपा हो जाती है, पिता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो बस रचना कोई उतर जाती है। सही कह रहे हैं आप, होता भी ऐसे, ऐसा ही है बस, कुछ नहीं है सर। लेकिन प्रश्न दूसरे आते हैं साथ में जी, देखिये जब हम किसी एक विधा को चुन लेते हैं, आपके साथ तो तीन तीन विधाएं हैं जी, लोग तो एक विधा में ही सुनते रहते हैं, आपने तो तीन तीन विधाओं का वर्णन किया हुआ जी। तो जैसे कहते हैं ना कि जितना आप ऊपर चढ़ते जाते हैं आपकी सफलताएं उतनी ही कठोर होती जाती है जी। जैसे आप 80% लिया है ठीक है, 90% लिया है ठीक है जी, लेकिन 95 के बाद 100 तक जाने में आपको बहुत मेहनत करनी जी। तो इसी तरह आप जब वीर रस लिख रहे हैं या हास्य लिख रहे हैं या व्यंग लिख रहे हैं, जैसे कैटेगराइजेशन कर रहे हैं आप, तो उसमें एक प्रगाढ़ता, एक अलग तरह की मौलिकता, एक अलग पहचान बनी रहे और आगे प्रोग्रेसिव रहे जी, इसके संबंध में आप क्या सोचते हैं? मैं इसके संबंध में सोचता हूँ कि या जो हो गया सो हो गया। नहीं ऐसा नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं पहले अपने पहले की रचनाओं को देखता हूँ, रवि की रचनाओं को देखता हूँ, मेरे मित्र भी जब देखते हैं, मेरे बड़ा अच्छा एक सौभाग्य है मेरा कि मुझे अच्छा ऐसा माहौल मिला हुआ, मेरे अभिन्न मित्र, मेरे जिगरी दोस्त डॉक्टर जिया टोंगी जी, जी। वो शायरी को बहुत अच्छे समझते हैं, शायरी इंटरनेशनल शायर, तो क्या है कि मैं मतलब कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं कि मैं किसी कविता को लिखूं और मैं किसी से सलाह ना लूं। मेरे अगर मुझे लगता है तो मैं अपने सबसे पहले अपनी बिटिया को सुनाता हूँ, अपनी मिसेस को सुनाता हूँ, जिया साहब को सुनता हूँ, फिर कुछ हमारे जो हिंदी के बड़े विद्वान हैं, और लगता है कि वो कहते हैं कि नहीं प्रदीप जी इसमें थोड़ा और कुछ होना चाहिए, तो फिर और कुछ माँ से निवेदन करता हूँ कि माँ कुछ और इसमें दे दे तो शायद ये बात कुछ अच्छी निकल कर आ जाए, तो ऐसा हो जाता है, तो लगभग वैसा ही अनुभव होता है, वो कविताएं अच्छी बनती। लेकिन जैसा मैं पहले लिखता था उसे कई अब लिखता हूँ तो कई लोग कहते हैं यार वो जो पहले की रचनाएं थी उसे कई गुना आपने अलग लिख रहे हो, तो वो एक बात है। और जैसा आप भी जानते हैं, आप कवि हैं इसलिए जानते होंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो समझ भी अलग हो जाती है, और माँ भी उसके अनुसार जिस तरह पात्र होती है उस अनुसार देती, सबको सब कुछ तो नहीं देती पर जिसको जितना पात्र है उसमें उतना मिल जाता है। मैं कोई मैं दिनकर नहीं हो सकता, मैं मिथिलेश्वर गुप्त भी नहीं हो सकता, मैं मेरे पिताश्री देवीलाल पंवार भी नहीं, किसी के साचे में ढल नहीं सकते, लेकिन हम जो है हम हो सकते हैं बिल्कुल सही। तो वही कोशिश है कि अपन एक अलग सी पहचान करें और कोशिश करें कि कुछ ऐसा माँ लिखवा दे जो कि एक अच्छा हो जाए। दूसरा एक बड़ा मौलिक प्रश्न है हर राइटर के सामने जी, मैं ऐसा मानता हूँ, अगर वो वाकई लेखन की दुनिया में अपनी कलम चला रहा है और जो लिखता है वो सामने ला रहा है, अगर वो खुद लिख के बैठा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सामने ला रहा है तो उसकी कुछ अलग वैल्यूज हो जाती हैं। तो लगभग 84 से आप टोंक में हैं और अंदाजन अपनी मान लें कि कब से लेखन चला आपका यात्रा, बस 84 से मान लें, 84 से, तो 84 से भी मान लें तो 40 साल ज्यादा ही हो गए, 40 नहीं तो हाँ 35 साल तो ना, 84 तो इससे तो नहीं हुआ लेखन, 84 तो मैं समझी यूं ही चल रहा था मैं, चलिए मान लीजिए 95 से 30 32 तो मान लीजिए, हाँ 30 साल तो मान लीजिए, 95 में मुझे
यूं मान लीजिए 1995 में मेरा एक मतलब माइल स्टोन है एक तरह से, मान लीजिए 1995 में यहाँ बी एन शर्मा कलेक्टर साहब थे, तो बी एन शर्मा साहब ने पहली बार हम लोगों की जो कविताएं देखकर मुझे पहली बार गाइड किया था कि हम साक्षरता के लिए काम करें। उस समय जो कविताएं लेखन शुरू हुआ और जो गांव गांव जाना हुआ और कविता का जो एक तरह से कविता के प्रति जो आंदोलन शुरू हुआ कि आज पहले टोंक आपको आप तो परिचित हैं कि टोंक जिले में कहीं पर भी कवि सम्मेलन और कम हुआ करते थे और लोग कविता के प्रति और ज्यादातर माहौल मुशायरे का ही था शायद, लेकिन हमने हिंदी का एक अलग जगाया और गांव गांव तक नहीं, आपका एक मंच था बहुत सक्रिय था वो सरस्वती साधना मंच था वो सक्रिय था, वो अपने विद्यार्थी जी थे, विद्यार्थी जी थे रामफूल दीपक इस दुनिया से चले गए वो लोग थे, सभी लोगों ने मिलकर के काम किया और वो उस समय उस वो काम से एक अच्छी जागृति आई और काम होता चला। ये रहा नहीं, अब मेरा प्रश्न वहां है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आदमी जब जैसे जैसे उम्र गुजरती है नए एक्सपीरियंसेस आते हैं अनुभव आते हैं जी। और उसकी अपनी जो देखने की तरीका है चीज़ों को वो बदल जाता है, जो बोध है उसका वो अलग तरह से मैच्योर होता जाता है जी। तो जब बोध हमारा जागता है तो नेचुरली लेखन में भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो अब वर्तमान में आप अपने उस लेखन को जो पहले था और जब जैसे जैसे बोध जागा और परिवर्तन आया, जैसा आपने कहा कि आपके मित्र भी कहते हैं कि यार पहले ऐसा लिखते थे आजकल नया है, कुछ अलग ट्रेंड है आपका रचनाओं में, तो ये क्या फर्क है दोनों में, आप क्या महसूस करते हैं किस बात का फर्क आया है? वो फर्क जो अंतर आया है वो वैसे तो क्या कि मैं क्योंकि एक मंची कवि रहा तो हमेशा ये देखकर लिखा कि क्या पसंद किया जाए, ऑडियंस क्या पसंद करती है, उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा ठीक है। लेकिन फिर माने ऐसा लिखवाना शुरू किया कि उसको भी समझ में आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा ठीक। तो ऐसा लिखा, उसमें कई ऐसी रचनाएं निखर के आई जैसे कि जो मैंने कई बार मैं भी सोचता हूँ कि वह रचनाएं जो है शायद ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। जैसे कि मेरे को बहुत प्रिय, मेरे सभी लोगों को बहुत प्रिय नारी शक्ति पर आपने कविताएं सुनी होगी, लेकिन मैं आपको कुछ एक कविता आपके कुछ बताता हूँ उसमें जो अभी कुछ एक साल पहले मैंने लिखी और वो लोकप्रिय भी हुई ठीक है। तो कविता का मुखड़ा सुनिए और कविता की आप उस बात से समझ जाएंगे कि वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा परिवर्तन कैसे आया। कि तू अनंत की परिचायक और शक्ति की अवतारी है, तू अनंत की परिचायक और शक्ति की अवतारी है, फिर कैसे कोई श्रृंगार तेरे वजूद पे भारी है ठीक। कौशल्या देव की तृष्णा तृप्ता रेणुका महामाया है, कौशल्या देव की तृष्णा तृप्ता रेणुका महामाया है, तू जयवंता जीजाबाई अनसुया मूरा, कौशल्या देव की तृष्णा तृप्ता रेणुका महामाया है, अंजनी आमना मरियम सबका तुझ में रूप समाया है, तू जयवंता जीजाबाई अंसुया मूरा व गुजरी, कपूर देवी राधा बाई राजकोर व चनेश्वरी, प्रसव पीड़ा से बढ़कर कोई दर्द नहीं होता और तेरी कोख बिना भी पैदा कोई मर्द नहीं होता। तू मां योद्धा अवतारों की जननी पालनहारी है, फिर कैसे कोई श्रृंगार तेरे वजूद पे भारी। उसमें तालियां बहुत बजी हैं, बहुत बजी है। तो और इसको आप कंसेप्ट आप इसका देखेंगे कि तू पन्ना की स्वामी भक्ति जिसका न कोई सानी है, राधा तू पन्ना की स्वामी भक्ति जिसका न कोई सानी है, पद्मिनी राधा मीरा की तू अद्भुत प्रेम कहानी है, शीश काट कर देने वाली तू चूड़ावत शत्राणी है, रुंड मुंड रिपुओं के करती तू झांसी की रानी है, तू सीता तेरी आवाज से धरती फट जाती है, तू सावित्री तेरे सतीत से मौत पलट जाती है, सही कहा, तू अतुल्य साहस शौर्य महावीरता धारी है, फिर कैसे कोई श्रृंगार तेरे वजूद पे भारी है। कहते हैं कि 16 श्रृंगार उस पे भारी पड़ रहे हैं, तब की कविता का जन्म हुआ। और कि एक इसकी लाइन है, उसने एक बंद सुनाता हूं आपको, इसका आखिरी बंद है कि तू सरोजनी वर्तमान क्या है, मैंने इतिहास की बात नहीं, मैं वर्तमान से कि तू सरोजनी इंदिरा गांधी लक्ष्मी सहगल रजिया सुल्तान ठीक है, सावित्री फूले तू
इसमें कि टू सरोजनी, इंदिरा गांधी, लक्ष्मी सहगल, रजिया सुल्तान, महादेवी, सावित्री फूले, स्वर सम्राज्ञी लता महान, तू आशुदास, तू आशुदास गुंजन अवनी, भावना व पुनीता है, तू मेरी कोम, बछेंद्री पाल, किरण वेदी व सुनीता है, हर क्षेत्र में तूने हमेशा पहली बाजी मारी है, फिर भी उमंजिल दूर है अब तक जिसकी तू अधिकारी है, तू बसमा सुर को भस्म बना दे, तेरा दर्श निराला है, और तू मामूली ज्योत नहीं है, अग्नि कुंड की ज्वाला है, और तुझमें दुर्गा नौ रूप है जिसके ताप से कौन बचा, तुझमें दुर्गा नौ रूप है जिसके ताप से कौन बचा, तूने हर युग के मस्तक पर एक नया इतिहास रचा, उठा भवानी अपनी खड़ग, जंग रखना जारी है, फिर देखें कैसे श्रृंगार तेरे वजूद पे भारी। ये रचना मेरी बड़ी लोकप्रिय, मुझे बहुत प्रिय है। जब मैंने ये रचना अपने मित्रों से बताई, मैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा से, हमारे दोस्तों से जब इसका डिस्कस हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये प्रदीप, ये लेखन अलग है, अब ये लेखन तो ऐसा हो गया जैसे किताबों में छपना चाहिए इसको। मैंने कहा नहीं, ठीक है, कोशिश है कि माने लिखवा दिया ऐसा। तो ये मतलब मैंने आपको रचना सुनाई, समय लिया, लेकिन मैं ये इसलिए सुना कि ये मेरी ये रचना, और एक मैं आप जब पहले की सुनोगे तो पहले की इस तरह की रचनाएं नहीं थी, तो वो ये मानता हूं मैं। आज की रचनाओं के लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है सामान्य रूप से, जैसा अभी आपने बताया कि तो किसी विशेष विषय पर केंद्रित होकर हम एक रचना करते हैं जी, जैसे आप स्वतंत्रता पर करें जी, 15 अगस्त पर करें, या आप नारी शक्ति पर कर रहे हैं, या बच्चों को उस पर कर रहे हैं, या साक्षरता पर कर रहे हैं, तो एक विशेष हमारे सोच का एक बिंदु है जिस पर हम केंद्रित होकर रचना को रूपाकार दे रहे हैं। इसके साथ आपको वो महारत भी हासिल है कि आप यहां तक ही सीमित नहीं है जी, आप और भी रचनाएं करते हैं जो विषय पर केंद्रित ना होकर, तो इन दोनों रचनाओं की प्रक्रिया में आपको क्या सुविधा और क्या असुविधा महसूस होती है? इन दोनों जो दोनों तरह की रचनाएं हैं, दोनों तरह के आप लिखते भी हैं जी, है ना, इससे अनजान नहीं है आप, क्योंकि इन दोनों कविताओं की प्रसव पीड़ा से आप बखूबी परिचित हैं। बिल्कुल। तो मेरा प्रश्न यह है कि इन दोनों रचना की प्रक्रिया में किन बातों का आपको ज्यादा सुविधा मिलती है या ज्यादा ध्यान देना पड़ता है? मुझे मैं जैसा मैं सोचता हूँ, तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि जिस मतलब कभी ऐसा ऐसा कभी ऐसा हुआ है, जैसे कि एक दिन मेरे एक मित्र अपने नवज्योति के विरोध करुणानी जी, एक रात को फोन आता है मेरे पास, और उन्होंने मुझे कहा कि प्रदीप जी, हमारी अखबार में कल एक कविता छपनी है आपकी, उस पे मैं जो राजस्थान पेज पे, और नर्स पे आपको कविता लिखनी है। अच्छा, ठीक है। अब उससे पहले मैं नर्स पे मेरी कोई कविता लिखी भी नहीं है, मैं आपको एक विषय बता रहा हूँ जो एक, और मैंने वो कविता मतलब आप मुझे अभी उस कविता के अंश याद नहीं है, लेकिन मुझे मैं आपको बताता हूँ वो कविता जब थी। अब आप उसमें मान ला सकते कि विषय है नर्स, और नर्स पे मैंने कविता लिखी, आप ताजुब करेंगे, मैं जो आप कह रहे हैं दुविधा वाली, मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि मैं कैसे लिखूं, कब लिखूं। रात को 10 बजे मुझे एकदम विचार आता है, और माँ की कृपा होती है, और मैं एक घंटे के अंदर उस पूरी रचना को लिख डालता हूँ। ठीक। तो ये मेरा मानना ये कि मतलब, और कई बार ऐसा भी होता है कि 6 महीने तक कोई कविता नहीं लिखी जा सकती, नहीं है आप माने नहीं दिया, नहीं दिया, तो मेरा मान्यता था कि दुविधा कुछ नहीं है, दुविधा तो सिर्फ माँ की कृपा की, जिस दिन कृपा हो जाए तो हो भी जाती है, और नहीं हो तो नहीं भी होती है। कई बार कई विषय छूट भी जाते हैं, कई विषय उठ भी जाते हैं, कुछ ऐसी भी कविता हैं जो जिनमें जो कभी ऐसा सोचा भी जाए तो भी नहीं लिखी जा सकती, और वो कविताएं मस्तिष्क में हो जाती हैं, हो जाती हैं। जहां तक मैं ज्यादातर कविताएं ऐसे लिखने का प्रयास रहा है, या ऐसे आने का प्रयास रहा है जिनमें प्रदीप काफिया हो, जिसको सुन करके लोग सरलता से समझ जाएं, और क्लिष्ट भाषा उसकी ना हो, और जिसका बहुत ज्यादा रहस्यात्मक कविता ना हो, बहुत सारी ज्यादा छायावाद से भी रिलेटेड ना हो, बल्कि सरलता से वो आ जाए, ऐसा मैं करीब करीब करता रहा, ये रहा, और जैसा मैं सोचता हूँ वही है, तो और यही मानता अब तक लिखता है। ठीक है जी। अब एक छोटा सा प्रश्न और आता है, अगर बहुत निरपेक्ष भाव से, पारदर्शिता से, बहुत सहज ईमानदारी से
तो हर लेखन हर लिखी हुई लाइन जो भी थोड़ा अपना अर्थ रखती है वो भी साहित्य की धरोहर है जी। इसमें कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, लेखन लेखन लेखन। लेकिन प्रश्न ये होता है कि क्यों हम किसी लेखन को हम कहते हैं कि नहीं ये अपनी कुछ विशिष्टता प्रदान प्राप्त की हुई है। जैसे कि आज के इस वातावरण में पिछले 2-3 दशक से मान लीजिए और अब तक चल रहा है, क्योंकि साहित्य में बहुत परिवर्तन आए, बहुत धाराएं बदली, कविता ने बहुत सारे रूप बदले हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान है इसमें चाहे अभिव्यक्ति की कोई विधा हो, चाहे कविता हो, चाहे लेख हो, दूसरी बात हो, सब में ही परिवर्तन है, आर्ट में भी परिवर्तन है। तो इस समय आदमी का अधिकतर सोच ये है कि वो आम आदमी के हालात, उसके सुख दुख, और उन सुख दुख में मतलब सुख दुख भी ऐसे जो सार्वभौमिक रूप से यूनिवर्सल जी, किसी एक उस पर केंद्रित ना, इस विचार के लोग भी अपनी रचनाएं लिख रहे हैं। इस तरह की वैचारिक स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना यह है कि जो वैचारिक स्थिति है प्रत्येक, सबसे ज्यादा जरूरी मैं मानता हूं कविता के लिए कि कविता समाज में निराशा पैदा ना करे, ठीक है, मेरी मान्यता, और मानवीय संवेदना को जीवित करे, ठीक है। अगर कविता का ये उद्देश्य पूरा हो जाता है तो किसी भी विधा में लिखी जाए, ठीक है, कैसे भी लिखी जाए, 2 लाइनों में लिखे चाहे 4 लाइनों में लिखे चाहे पढ़ी पूरी कविता लिखे, जहां तक सुनकर के प्रशंसा करने वाले लोगों की बात है तो उनकी अपनी है। मेरे पिताश्री करते थे कि हमें किसी की प्रशंसा की आवश्यकता है, हम तो स्वांत सुखाई, कुछ लोग स्वांत सुखाई लिखते हैं, और कुछ होता भी है, होता भी है, स्वांत सुखाई लिखी जाती, होता भी है, तो लिखी जाती है। उसके बाद में वो किस विषय को उठा करके किस तक, लेकिन मेरी मान्यता, मैं ये सोचता हूं कि कविता एक ऐसी विधा है जो दिल से दिल तक पहुंचने का काम करती है, ठीक, और अगर जागृति कुछ लोगों में भी आ जाए हमारी कविता से, कुछ लोग भी इस बात को समझ जाए, ज्यादा अच्छा, तो बहुत अच्छा है। और वरना तो हमारे यहाँ सुना सब कुछ जाता है, मतलब हम ज्यादातर कहते कुछ हैं, रहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होते कुछ हैं, अगर इन सबका सम्मिश्रण करके एक सा ही जीवन हो जाए तो भी मान लीजिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारा जीवन ही ट्रांजिट पीरियड से गुजरता है, संक्रमण काल से गुजरता है, परिवर्तन पल पल पर होता है। एक भाई बहुत मन में एक इच्छा जागृत हो, जी सवाल नहीं है जी, इच्छा सवाल यह है कि कोई छोटी सी ऐसी रचना सुना दो पहले जी, सटीक व्यंग को इंगित करती है। चलिए सर, वो बिल्कुल सटीक व्यंग की बात है, तो एक कविता बड़ी अच्छी भी लगती है मुझे, और मुझे उसने कविता के क्षेत्र में मतलब मंच के भगवान समझ व्यंग की रचना, माना कि सुंदर मकान बनाने लगे हैं लोग, अच्छी बात, माना कि सुंदर मकान बनाने लगे हैं लोग, पर दिल के घरों को गिराने लगे हैं लोग, बच्चों को भेजकर बोर्डिंग स्कूल में, कुत्तों को गोद में खिलाने लगे हैं, क्या बात, अच्छी बात, बेचकर सुख चैन खूब कमाने लगे हैं लोग, परिश्तों की गुनगुनाहट भुलाने लगे हैं लोग, उलास से तो रखते हैं, उलास तो ते रखते हैं सुख की कामना, पर माँ बाप को वृद्धाश्रम भी जाने लगे हैं लोग। अब कविता का जैसे अंतिम बात यह है कि ये लोग जो माँ बाप के भी सगे नहीं है, बहुत अच्छी बात, ये लोग जो माँ बाप के भी सगे नहीं है, संतान के दुख दर्द में भी जगे नहीं है, देख कर इन्हें यमराज ने कहा ले जाओ इनके लिए नर्क में भी जगह नहीं, जगह नहीं है, अच्छी बात। ये मंच पर मतलब एक मतलब वो सीधा साधा सा व्यंग है, व्यंग की और भी कई लाइनें सुनाई जा सकती है, लेकिन मेरा मतलब मान्यता है कि वो ये बहुत सरलता से समझने वाला व्यंग रहा, तो उसको मतलब इस रूप में मैंने कहने का प्रयास किया, और कोई और मुझे अभी याद आ नहीं रही, मैं आपको कोई बात नहीं जी, हास्य की सुन ताकि
ताकि अपने इसके माध्यम से ऑडियंस परिचित तो पूरा हो, रस तो पूरा ले। बहुत मेरी बहुत लोकप्रिय रचना रही आशी की, जो कि डिस्पोजेबल गिलास के नाम से प्रसिद्ध हुई और वाह वाह पर उसका बहुत गूंज रही इस कविता की। थोड़ी सी याद आपको एक किसी टीवी चैनल पे भी तो गए थे? जी जी, वो बाबा सोनी सप्ते में गया। मेरे मतलब पहला जो अवसर मिला वो ईटीवी मिला, गुदगुदी जो उसका प्रोग्राम था उसमें। उसके बाद मुझे बहुत खूब के लिए वही शैलेश लोढ़ा जो हैं, उन शैलेश लोढ़ा जी के ही प्रोग्राम बहुत खूब में मैं गया, और दो एपिसोड उसमें मैंने किए। और फिर तीसरा मुझे मिला, फिर उसके बाद फिर बाबा के लिए सोनी सब पे मिला, वही शैलेश जी को। ठीक है, ये कृपा है उसकी, क्योंकि मैं हर मेरी एक लाइनें हैं जो मैं अक्सर मंच पर कहा करता हूँ, मैं हर कदम पर उनका दास हो जाता हूँ, जिंदगी में हर पल खास हो जाता हूँ, उनकी मेहरबानियों को कैसे गिनवाऊँ, रोज परीक्षा देता हूँ पास हो जाता हूँ। अच्छी तो ये कोशिश है। तो आप कह रहे हैं कि वो जो रचना है आशिक की जी, तो खैर दो तीन कई हैं, लेकिन मैं एक को सुना देता हूँ जिसको जब क्लास इसकी चर्चा मैंने की। इस रचना का जो है वो प्रादुर्भाव जो है कुछ SMS देख कर भी हुआ। प्यार को जब लोगों ने प्यार में प्यार का आभास बहुत होता है, प्यार में प्यार का विश्वास बहुत होता है, तमाम उम्र जिंदगी को प्रेरणा देने के लिए पहली मुलाकात का इतिहास बहुत होता है, ऐसा हम कहा करते थे। प्यार जब किस तरह से बदला तो उसमें मेरी एक कविता का जन्म हुआ। उसकी बातें, क्योंकि आजकल हम प्यार का उपवास, मेरी एक पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हुई उस कविता की पूर्व की, कि आजकल हम प्यार का उपवास कर रहे हैं, रोज नई रासलीला खास कर रहे हैं, प्यार के तो दो पल भी जी नहीं पाते, पर राधा कृष्ण बनने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा व्यंग है ये, व्यंग है इसका। तो ऐसी ये कविता की मैं वो है कि चलते चलते एक दिन भीड़ भरे बाजार में एक नवयौवना को निहारने का मिला मौका, उसकी अचानक आई तरुणाई को देखकर मैं चौंका, वह ऐश्वर्या की तरह लगी मुस्कुराने, मैं सलमान की तरह लगा फड़फड़ाने, देखते देख धड़कते दिल से हमने उससे करी मुलाकात, आंखों में आंखें डालकर होने लगी बात, मैंने कहा सुंदरी तुम्हारी जवानी कर ढाने लगी है, हर जवां दिल को धड़काने लगी है, जिधर देखता हूँ उधर ही तुम्हारा टेंशन है, मेरा दिल भी जोड़ना चाहता तुमसे कनेक्शन है। तरुणी, आप व्यंग सुनिए कि तरुणी बोली वो मध्यम वर्गीय उजड़े चुंगी नाके, तरुणी बोली, ये नया प्रयोग है आज तक उसके पहले किसी ने नहीं किया था, कि तरुणी बोली ओ मध्यम वर्गीय उजड़े चुकी ना के, गरीबी की चादर में मजबूरी की सुई से लगाता है ताके, आलू टमाटर प्याज खा नहीं पाता है और मेरी जैसी नवयौवना को पटाना चाहता है, वो सड़े टमाटर के उखड़े हुए छिलके जिंदगी काट रहा है पानी में भजिए तल के, न तेरे पास बैंक बैलेंस न पेशेंस न बंगला न कार है, तेरी जिंदगी तार तार है, तू बेकार है बेरोजगार है, सिक्कों की खनक पर नाचते जमाने में वो कड़के तुझे प्यार करने का क्या अधिकार है। ठीक, मैंने कहा ओ मैडम मलिका, आप भी मेरी बात को इश्क का इतिहास समझ रही हो, हम तो टाइम पास कर रहे हैं और तुम उसे प्यार समझ रही हो, आजकल का प्यार तू बेलिबास है, आजकल का प्यार तू बेलिबास है, रोज नहीं तलाश है, कामुक आस से वासना मई प्यास है, हम युवाओं के लिए तो बस प्यार बस एक डिस्पोजेबल गिलास है, जिसमें जितनी हुस्न की शराब डालकर पी सकते हो पियो, इसके लिए जितना गिर सकते हो गिरो, डिस्पोजेबल गिलास भी तो है यूज एंड थ्रो। बहुत अच्छा, पर प्यार को डिस्पोजेबल गिलास मत समझो यारों, प्यार ईश्वर का अनूठा वरदान है, मीरा है रहीम है तुलसी है बस खान है, और प्यार को शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है, प्यार है तो इंसान है, इंसानियत की पहचान है। ये कविता बहुत प्रसिद्ध रही और बहुत मुझे मतलब बहुत प्रसिद्ध सराही गई, ये व्यंग की और हास्य की एक मिली जुली रचना है। तो थोड़ा सा समय को और ध्यान में रखते हुए समय एक छोटी सी पूर्ण करने तो लिख रहेगा नहीं, एक सेकंड, आपसे जब बात शुरू हुई तो आपने कहा था कि कविता का उद्देश्य आपके विचार में आपकी सोच के हिसाब से आप क्या सोचते हैं, क्या कविता का उद्देश्य भी हुई है या होना चाहिए? मैंने अभी आप इस संबंध में आप कुछ थोड़ा सा मैंने अभी आपके संबंध समक्ष से बात की थी कविता, वो जो मैंने लाइनें सुनाई थी कि कविता का उद्देश्य बस इतना सा ही है कि वो मानवीय संवेदनाओं को जागृत कर सके,
उत्साह का संचार कर सके। ठीक है। और लोग जिस कर्म में लगे हैं उस कर्म को करके समाज के भले के लिए काम कर सके। अगर समाज की भलाई के लिए अगर कविता नहीं है तो मैं मानता हूं समाज की भलाई के लिए नहीं, यानी पहले तो इंसान की भलाई के लिए नहीं तो समाज की भलाई के लिए तो हो ही नहीं सकती। तो अगर इंसान की भलाई के लिए है तो समाज की भलाई के लिए होगी, और समाज की भलाई के लिए है तो सुप्रीजी वो उत्साह का संचार करने वाली होगी, लोगों में हंसी बांटने वाली होगी, लोगों में मुस्कुराहट बांटने वाली होगी, और मानवीय श्रद्धाओं को निश्चित रूप से बलवती करने वाली होगी। मानव क्योंकि जीना मानवीय संवेदनाएं नहीं है तो मनुष्य नहीं, कभी तो होना ही संभव है, ये मेरा मान्यता है। बहुत बहुत आभारी है जन सरोकार मंच आपके लिए, आप यहाँ आए पधारे, समय की व्यवस्था है ना तो आनंद तो इतना आ रहा है कि ये बात लंबी चलनी चाहिए थी। आप फिर कभी और मौका दीजिए, फिर नए संदर्भों के साथ अपन फिर बैठेंगे और हो सकता है कि और अच्छी बातें निकल के आएंगी, जितनी आज आई हैं उससे भी ज़्यादा और मिली बातें सामने आएंगी और जनहित में होगी, जो लिख रहे हैं या लिखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं उनको भी एक एक अच्छा संसार मिलेगा। एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगा मैं, सम्मानी देवेंद्र जी शर्मा साहब को, आप मेरे बड़े भाई हैं शिवजी सक्सेना और मोहित की पूरी टीम, इन सब लोगों और मैं ये भी बड़ा गर्व भी होता है मुझे जो मैं मोहित और भी जो लड़के हैं टॉप के सितारे कार्यक्रम उसमें जब अक्षय और वगैरह जो नए नई पीढ़ी लिख रही है मेरी बिटिया, मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि मैं कि मेरे पिता के कहते हैं जिस पिता के समक्ष उसकी किसी विरासत को संभालने वाला कोई हो जाता है उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसे कि मेरे पिता के समक्ष ही मैं और मेरे पिता को बहुत प्रसन्नता हुई, मेरे को प्रसन्नता की मेरी बिटिया इस काम को कुछ करने लगी तो उसकी शुरुआती दौर है। तो ये सब तो मैं अपने जितने युवा जो कवि हैं उनसे ये कहना चाहता, मेरा ये उनसे ये कहना है कि कविताएं केवल लिख करके और बैग में बंद करके रखने के लिए नहीं है। ठीक है। कविताएं समाज के लिए हैं और कविताएं का जो लेखन है वो समाज के लिए है, मानव जाति के लिए है, मानवीय संवेदनाओं के लिए है और उत्साह के लिए है। तो अपनी कविताओं को जैसे भी लिख रहे हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी कि छोटी से छोटी कविता लिख करके हम लोगों तक सुनाते थे और सुनाने के बाद वो लोग जो इम्पैक्ट आता है उस इम्पैक्ट का फायदा ये होता था कि लोगों को तो अच्छी लगती ही लगती थी, हमारी कविताओं में भी निखार आता। तो उन लोगों से मैं यही कहूंगा और इस बात से पूर्ण करता हूँ कि कविता सूरज की सगाई और चांद का गुना है, दिल के पत्ते पर शबनम का बिछोना है, शमशीर है सूरों की बालक का खिलौना है, कविता तो भावों के छंदों में शब्दों का पिरोना। जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से धन्यवाद जनसरोकार मंच और देवेंद्र जी को, अशोक जी को, मोहित को धन्यवाद।